हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपके लिए लेके आया नई वीडियो। तो मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्स एंड अपग्रेड। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया नई वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए दो प्रोडक्ट लेके आया जिसका मैं रिव्यू दूंगा। तो इस प्रोडक्ट में आपको दिखाने वाला हूँ इसका रिव्यू किस तरह इसे मैंने यूज़ किया और कितना बेस्ट है अपने सेगमेंट में, क्या प्राइसिंग में मिल रहा है। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट क्या मैंने ऑर्डर किया था। तो ये दो प्रोडक्ट है जो मैंने ऑर्डर किया था, आप देख सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट ये हो हिम का है, ये गिम्बल है, थ्री एक्सिस गिम्बल है, जिसको कि वीडियो बनाने में, जो कि वीडियो शूट करने में बहुत ही बेस्ट रहता है और कोई भी दिक्कत नहीं होती। और ये मैंने एक ऑर्डर किया था, ये माउस पैड है। तो ये माउस पैड मैंने ऑर्डर किया था अपने लैपटॉप के लिए, कि माउस कीबोर्ड और माउस के लिए उसे कैसे यूज़ करना है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लेंथ, इसकी क्वालिटी आपको मैं दिखाता हूँ कितना प्रीमियम क्वालिटी का लुक इसमें दिया गया है। तो ये देख सकते हैं, आपको इसकी फिनिशिंग में देखिए, तो इसमें आपका माउस बहुत ही आराम से, इसमें माउस और कीबोर्ड दोनों आ जाएगा। इतनी लेंथ में आपका माउस और इतने में कीबोर्ड आ सकता है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था रेड गियर का, जिसकी कि ये ब्रांडिंग दी गई है, आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें RGB लाइट दी गई है साइड साइड में, ये आप देख सकते हैं, जिससे कि यहाँ से कंट्रोल भी किया जा सकता है, इसकी लाइटनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ये बटन दी गई है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मिनी टाइप दिया गया पोर्ट, ये देखिए, ये मिनी टाइप का। बाकी इसके साथ एक डाटा केबल मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में है, ब्रीडेड केबल है, जो कि अपने सेगमेंट में भी बहुत अच्छा है। और ब्रीडेड केबल बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है इसके साथ। बाकी एक मैनुअल बुक दी जाती है कि आप इसके कौन कौन से प्रोडक्ट और क्या क्या आते हैं प्रोडक्ट में। और इसके बाद इसमें उसकी वारंटी के बारे में दिया गया रहता है और इसके दिखाया गया है कैसे इसे यूज़ करना है। बाकी ये रेड गियर का एक स्टिकर दिया जाता है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ इसको कि किस तरह यूज़ करते हैं। तो एक ये मिनी टाइप की पोर्ट है जो कि वहाँ लगेगी, और ये USB-A टाइप है, जिसको कि मैं अभी आपको चार्जर में चेक करके दिखाऊँगा कि कैसे ये चलता है। बाकी इसकी वायर की लेंथ भी अच्छी खासी दी गई है, 1 मीटर अराउंड। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं काफ़ी लुक में कितना अच्छा लग रहा है जब इसको आप पूरा सेटअप करेंगे अपने लैपटॉप के साथ, कि गेमिंग माउस और RGB वाला कीबोर्ड, इसके बाद आपके लैपटॉप के साथ जब ये पूरा सेटअप होगा एक टेबल पे, बहुत ही प्रीमियम लुक देगा। बाकी यहाँ से आप इसका टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, लाइट चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। और ये देखिए इसका एक ये लुक है, एक ये है, लगभग 7 to 8 कलर दिए जाते हैं इसमें। तो ये है, बाकी मैं आपको इसको लुक अंधेरे में दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसका लुक, देखिए कितना ही प्रीमियम लग रहा है देखने में। बाकी ये इसकी लाइट देख सकते हैं, तो इसमें इतने ही कलर प्रोवाइड हैं। बाकी आप देख सकते हैं देखने में कितना ही बेस्ट लग रहा है, कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में लुक के वाइज। और इसका साइज़ भी बहुत ही बड़ा दिया है, जिसमें कि आराम से आप माउस यहाँ पे रख सकते हैं, और एक कीबोर्ड भी आपका फुल लेंथ आ सकता है इसमें आराम से। तो इसमें बस इतना ही। तो आपको अब दिखाते हैं हम ये होहेम का जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ये गिम्बल 3 एक्सिस का। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ और इसको करते हैं साइड में। तो ये है होहेम का गिम्बल, जिससे कि वीडियो बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ये प्रोडक्ट मुझे 10,000 का पड़ा है, क्योंकि ये जिस समय मैंने ऑर्डर किया था उस समय सेल नहीं चल रही थी। बाकी सेल में इसका प्राइस 9,000 तक का भी हो जाता है, बाकी मुझे 10,000 का पड़ा है। और जो माउस पैड था, माउस पैड वो मुझे 1500 रुपये का पड़ा है, क्योंकि वो एक तो अपनी साइज़ में भी अच्छा है और उसमें क्वालिटी भी बहुत उसकी प्रीमियम क्वालिटी का दिया गया है। तो चलिए आते हैं होहेम की तरफ। तो होहेम में ये आपको दिखाता हूँ मैं।
इसके ये फीचर्स हैं। ये देखिए AI विज़न दिया गया है, और इसके साथ आपको देखिए 3 एक्सिस गिम्बल दिया गया है, और गेस्चर कंट्रोल भी है, मूवमेंट कंट्रोल भी है इसमें। इसके और सारे फीचर्स है, बाकी ये फास्ट चार्जिंग करता है। इससे आप एक ये चीज़ अच्छा है कि ये एज अ पावर बैंक आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन ओन चार्ज करने में। बाकी इसके ऐप में आप इसको जाके और जिस तरह भी कस्टमाइज़ करना है कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये है, तो इसके साथ एक ये कार्ड दिया जाता है, बाकी इसके पीछे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बताते हैं किस तरह से यूज़ करना है। और बाकी एक इसके मैनुअल बुक यहाँ पे दी गई है इस साइड में, और बाकी ये एक प्रोडक्ट है, और एक इसमें पाउच दिया जाता है, कैरी पाउच है इसके अंदर। और बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ, और इसके साथ एक ये मिलता है जिसे कि आप हाथ में जैसे गिम्बल के गिम्बल में ये टाई हो जाता है, बंध जाता है। इसको आप अपने हाथ में डाल दें, इसके बाद हल्का टाइट कर लें, बाकी कहीं गिम्बल आपसे गिरे ना इस तरह। तो ये इतना ही, और आपको दिखाते हैं इसमें ये इसका ये स्टैंड मिल जाता है नीचे रखने के लिए उसमें, और ये मेन गिम्बल है। तो आप देख सकते हैं गिम्बल देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और इसके साथ इसके ये चार्जिंग केबल, ये USB टाइप सी केबल देते हैं। इसमें एक चीज़ अच्छा लगा मुझे, ये टाइप सी टू सी है, इसके साथ आपको ये अडाप्टर दिया जाता है, ये देखिए। तो ये केबल बहुत ही कम उसमें मिलती है, बाकी मुझे इसके साथ ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा, इसके साथ टाइप सी टू सी केबल देते हैं, और एक ये मिनी टाइप अडाप्टर है सी टू ए में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको चार्जिंग। तो इसको ये देखिए, इसमें ये अभी लॉक लगा हुआ है, लॉक खोलने के बाद दूसरा लॉक यहाँ पे है, इसके लॉक वो टाइट कर देते हैं। इसके बाद मैं आपको चलिए इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो पहले इसका एक लॉक ये खोलना है, फिर दूसरा लॉक यहाँ से है, तो इसके बाद आप इसको एक ही हाथ से मैं खोल रहा हूँ तो मुझे खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसको सीधा करिए ऐसे, और बाकी फिर इसे सीधा इस तरह करते हैं, इसके बाद यहाँ से इसे टाइट कर देते हैं, तो ये इसका लॉक लग गया। तो ये हो गया गिम्बल, और इसके साथ सबसे बेटर चीज़ ये देते हैं कि ये है इसका, यहाँ पे एक लाइट दी जाती है, बाकी विजिबल ज़्यादा नहीं लेकिन अपने हिसाब से बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी देता है। और यहाँ पे आप अपना फ़ोन फंसा सकते हैं, आप देख सकते हैं ये एक्सटेंड होता है, ये इस तरह यहाँ पे फ़ोन लग जाता है। बाकी मैं से आप ऑन करके दिखाता हूँ, इसमें इसी 3 बटन से, और ये इसका जूम इन और जूम आउट करने के लिए दिया है, बाकी इसी से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं आप। और बाकी इसके बाद इसका होहेम प्रो करके एक ऐप है, जो कि आप उसमें मैनुअल बुक में आपको इसका बार कोड दिया गया है यहाँ पे ये, तो इसमें जाके आप इसका प्रोडक्ट जो है तो उसको डाउनलोड करिए, और उसमें जाके लॉग इन करके उसे यूज़ करिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ऑन करना, तो आप इसे ऐसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया। तो ये आपका अगर फ़ोन लगा होता तो ये आराम से लग के ऑन हो जाता, बाकी ये ऑन हो गया है। इसको ऐसे यूज़ करते हैं, और ये मतलब इसी से पूरा कंट्रोल होता है, आप देख सकते हैं। बाकी मैंने अभी फ़ोन इसमें नहीं लगाया है, मुझे बस इसका एक चीज़ ख़राब लगा कि इसमें अप और डाउन जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। बाकी जो इसकी 3 एक्सिस की मोटर है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो एकदम साइलेंटली वर्क करती हैं, कोई भी नॉइस नहीं होता, और जो गिम्बल होते हैं उनमें नॉइस बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे ये पॉइंट इसका बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आप देख सकते हैं, और बाकी इसमें यहाँ पे लाइट दी गई है एक, जिससे कि मैं एक हाथ से आपको दिखा नहीं सकता, बाकी बस इसमें इतना ही था, और वो उसका स्टैंड है, बाकी मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये इसका ऑफ़ हो गया, इसके साथ ये इसको स्टैंड दिया जाता है ताकि इसे नीचे ऐसे टाइट कर दें, और इसके बाद इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं। ये है
जिसे कि आप आराम से यूज़ कर सकते हैं इस तरह रख के। ये कुछ है गिम्बल, आप देख सकते हैं इसे। तो बस फ्रेंड, वीडियो में इतना ही था, बस आपको मुझे यही बताना था। बाकी ये प्रोडक्ट अपनी रेंज में 10,000 की बहुत ही बढ़िया, क्योंकि अगर आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भी जाएंगे तो जैसे डीजीटेक के भी आते हैं, इससे सस्ते भी रहते हैं। ओएम का भी सस्ता आता है, बट जो डीजीटेक का है उसकी मोटर और मतलब उसका 3 एक्सिस स्टेबलाइजर इतना बेटर नहीं है जितना बेटर मुझे इसका लगा। डीजीटेक का आता है, मोजा मिनी आता है, तो उसके मुकाबले ये बहुत ही बढ़िया है इन सेगमेंट, इन प्राइसिंग, और काफ़ी छोटा है, एक हैंडी है क्योंकि ये हाथ में बहुत अच्छा ही पकड़ने में है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसे। बाकी आप इस अगर इससे भी बेटर चाहते हैं तो ज्यूथ का ले सकते हैं, जो कि थोड़ा महंगा है, बट उसके जो फीचर्स हैं इससे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसका जो अप और डाउन मूवमेंट है वो इससे ज़्यादा है। इसका जो रोटेशन लगभग 270-260 है। बाकी इसका जो वेट है उठाने का, फ़ोन का वेट, ये लगभग 280 ग्राम तक आराम से वेट ले सकता है, गेन कर सकता है। तो बस फ्रेंड, वीडियो में आपको मुझे इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।